नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री इन द यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिल गेट्स। दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिनकी एक दिन की आय लगभग 102 करोड़ रुपए है। इनकी मेहनत और लगन की बदौलत अगर बिल गेट्स अपना एक देश खरीदे तो वह भी दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। तो दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की हिस्ट्री को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बिल गेट्स का वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स, जो एक मशहूर वकील थे, तथा इनकी माता का नाम मेरी मैक्सवेल था। बचपन से ही बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लेक साइड स्कूल में हुई। वहाँ पर इस स्कूल में जब स्कूल की तरफ से कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए, जिससे कि विद्यार्थी कंप्यूटर को अच्छी तरह से जान व सीख सके, तब बिलियम गेट्स की कंप्यूटर में रुचि और बढ़ गई। इनके मन में कंप्यूटर सीखने से ज़्यादा यह जानने की इच्छा रहती कि आखिर यह कंप्यूटर चलता कैसे है। कुछ सालों तक स्कूल में कंप्यूटर को चलाना सीखने के बाद इन्होंने एक कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज में टिक टैक ट्यू नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जो कि एक गेम था जिसमें कोई भी व्यक्ति अकेला कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। उसे गेम खेलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्कूली समय में ही इनकी मुलाकात पॉल एलन नाम के एक 2 साल सीनियर बालक से हुई। दोनों की कंप्यूटर में रुचि व मिलती धारणाओं के चलते इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और यह हमेशा साथ रहने लगे। स्कूल के कंप्यूटर के प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर में हमेशा छेड़छाड़ करने तथा इनका ध्यान कंप्यूटर की ओर आकर्षित होने से इन दोनों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी, जिस कारण स्कूल द्वारा उन दोनों का कंप्यूटर कक्ष में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। थोड़े समय बाद इन्हें वापस कंप्यूटर चलाने की इजाज़त मिली तथा इन्होंने एक और प्रोग्राम बनाया जो कि स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आता था। सन 1970 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक विशेष प्रोग्राम बनाया जो कि सड़क व शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर ध्यान रखता था। उन दोनों के इस प्रोग्राम के लिए उस समय $20,000 मिले, जो कि इनकी पहली कमाई थी। सन 1973 में बिल गेट्स ने लेक साइड स्कूल से पास होकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर बिल गेट्स ने 1975 में बिना ग्रेजुएशन किए ही कॉलेज छोड़ दिया और अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। और 26 नवंबर 1976 को इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया और देखते ही देखते कंप्यूटर की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। दोस्तों, बिल गेट्स का कहना था कि अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, परंतु अगर आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो इसमें सारा दोष आपका है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आज विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी वजह से सन 1987 में इनका नाम अरबपतियों की सूची में आ गया। दोस्तों, यही नहीं, बिल गेट्स ने सन 1907 में $40 अरब का दान करते हुए हर साल गरीबों व जरूरतमंदों के लिए दान करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक व शेयर करें तथा हिस्ट्री से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।